अप्रूव हो चुका है, उसके बाद में W8BEN मोड। दोस्तों मैंने अपनी पिछली 3 से 4 वीडियोस में आप लोग को बताया है कि दोस्तों अगर आपके भी चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का भैया वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है तो दोस्तों आप लोग जो है अपना यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में यानी कि दोस्तों मोनेटाइजेशन के लिए कैसे भेज सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि दोस्तों अगर आपके पास भी कोई एडसेंस खाता नहीं ना तो दोस्तों आप लोग नए सिरे से अपना एडसेंस खाता कैसे बना सकते हैं यानी कि दोस्तों एडसेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को अगली वीडियो में आप लोग को बताया कि दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों मात्र सिर्फ 9 घंटे के अंदर कैसे मोनेटाइज कराया। और दोस्तों उस वीडियो में मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि दोस्तों आप लोग को मोनेटाइजेशन पर भेजने से पहले दोस्तों आप लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसकी वजह से दोस्तों मोनेटाइजेशन होने में यानी कि दोस्तों चैनल मोनेटाइज होने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों अगली वीडियो में आप लोग को बताया कि दोस्तों जब आपका चैनल अंडर रिव्यू में पास होने के बाद में जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो दोस्तों आप लोग स्टेप बाय स्टेप दोस्तों कैसे अपनी वीडियोस पर एड्स लगा सकते हैं। सारी वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग को भी चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का भी वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उसी का अगला स्टेप आपको बताने वाला हूं यानी कि दोस्तों जब आपका एडसेंस अकाउंट बन जाएगा और दोस्तों आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा तो दोस्तों आपके पास में जब भी आप अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप मैसेज आएगा जहां पे दोस्तों US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने का एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा जो कि दोस्तों आप लोग को भरना पड़ता है क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इसको नहीं भरेंगे तो दोस्तों आपकी अर्निंग का सोर्स कम हो जाएगा यानी कि दोस्तों US में बैठे जितने भी लोग जो है अगर आपकी वीडियोस को देखेंगे तो दोस्तों उसमें से जो है 25% जो है आपका लेस हो जाएगा जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है जो कि दोस्तों आप लोग को बाद में खलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप लोग कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से दोस्तों US टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला जो फॉर्म होता है कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को कुछ टिप्स भी आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा जो कि दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत गलती ना हो। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों करता हूं अपनी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि दोस्तों इसी तरह के कॉन्टेंट आप लोग से कभी मिस ना हो। अब देखिए दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर और सबसे पहला जो स्टेप दोस्तों आप लोग को क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल सर्च बार में डालना है दोस्तों एडसेंस। ठीक है दोस्तों, एडसेंस डालने के बाद में दोस्तों आपके सामने देखिए दोस्तों दो वेबसाइट खुल के आ जाएगी, दोनों की दोनों दोस्तों एडसेंस की ही वेबसाइट है। आप लोग चाहें तो पहले पर क्लिक कर सकते हैं या फिर चाहें तो दूसरे पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरे पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। वेट दोस्तों आप लोग को इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों एडसेंस अकाउंट खुलने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा समय लेता है तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मेरा एडसेंस अकाउंट इस टाइप का अभी खुल के आ गया। अब दोस्तों अगला स्टेप आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला जो नोटिफिकेशन होता है वो भी यहाँ पे अलर्ट कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है ऊपर आप लोग सिंपल से इस पर क्लिक करिएगा और दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप साइड दिख रहा है इस पर आपको लगा लेना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल पीसी या कंप्यूटर लैपटॉप की तरह हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कुछ चीजें मिस कर देते हैं तो दोस्तों आप लोग को बाद में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग को करना क्या है, यहां पे मैं जूम करके दिखा देता हूं। यहां पे देख दोस्तों देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ मैनेज टैक्स इन्फो। सिंपल दोस्तों आप लोग को करना क्या है, इस पर कर देना है भैया क्लिक और दोस्तों यहां पर कर लेना है थोड़ा सा वेट। वेट करने के बाद में दोस्तों यहां पर थोड़ी सी सर्चिंग लेगा और सर्चिंग होने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहां पर देखिए जूम करके दिखा देता हूं, यहां पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है टू गेट पे आउट फ्रॉम गूगल मेक श्योर प्रायोरिटी योर टैक्स इन्फॉर्मेशन दिस विल टेक अ फ्यू मिनट। ठीक है और यहाँ पे देखिए छोटा सा टैक्स इन्फो वाला एड लिखा हुआ है एड टैक्स इन्फो। सिंपल से आपको इस नीले वाले बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जिस भी एडसेंस अकाउंट से यानी कि दोस्तों जिस भी जीमेल अकाउंट से आप लोग ने एडसेंस खाता बनाया वो दोस्तों जीमेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों उसका आपको पासवर्ड डालना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना डाल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन लिख के आ रहा है। सिंपल से दोस्तों आप लोग को कर देना है इस पर क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर ले जाएगा आपको। यहाँ पे सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म वाला। ठीक है अब दोस्तों ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज अमर सिंह, यानी कि दोस्तों मेरा नाम जैसे अमर सिंह है तो मेरा नाम लिख के आ गया या
आपसे पूछ रहा है, आपने जो एडसेंस अकाउंट बनाया है ये बिजनेस के लिए है या फिर कह लो कि इंडिविजुअल खुद के लिए? तो दोस्तों भैया यहाँ पर मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कर लेना है इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपका दोस्तों कोई बिजनेस हो तो आप लोग जो है नॉन इंडिविजुअल एंट्री पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल सा दोस्तों आप लोग को कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए छोटा सा ये ऑप्शन आपके सामने कुछ खुल के आया इस टाइप का। यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू आ सिटीजन ऑफ रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यस या नो। ये पूछ रहा है कि भाई आप अगर यूएस से हो यानी कि दोस्तों अमेरिका के रहने वाले हो तो दोस्तों आप लोग यस करेंगे, अगर दोस्तों नहीं ना तो दोस्तों आप लोग को नो कर देना है। तो भैया मैं तो इंडिया से हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, सिंपल से दोस्तों आप लोग को कर देना है क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का फॉर्म मेरे सामने फिर से कुछ खुल का आ गया, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों फॉर्म खुल के आया, सेलेक्ट डब्ल्यू ए टैक्स फॉर्म टाइप, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दो फॉर्म शो कर रहा है, सिंपल से आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले वाले पे करना है क्लिक, यानी कि दोस्तों डब्ल्यू एट बी ई एन पे करना है क्लिक। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट डब्ल्यू एट बी ई एन फॉर्म, ठीक है, इस पे दोस्तों आप लोग को कर देना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रहे, आपको यहाँ पे बैक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बैक कर देंगे तो पूरा पूरा दोस्तों पेज जो है वो कट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले रहा है, क्योंकि दोस्तों एडसेंस का कोई भी काम आप करते हैं तो दोस्तों ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पड़ा हुआ है नेम ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें दोस्तों मेरा नाम जो है ऑटोमेटिकली इसने जो है डिटेक्ट कर लिया। अब दोस्तों दूसरे वाले पे आप लोग को बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो दोस्तों दूसरा वाला आप छोड़ दीजिएगा, इस पे आपको कुछ भी नहीं बनना है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरे वाले पे दिया हुआ है कंट्री रीजनल ऑफ सिटीजन, ठीक है, ये पूछ रहा है आप किस कंट्री से हैं। तो दोस्तों राइट साइड में आपको छोटा सा तीर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको कर देना है क्लिक। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी कंट्री आ जाएगी, आप लोग जिस भी देश के रहने वाले हैं यहाँ से दोस्तों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना भारत महान इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ है मेरा भारत महान, तो मैंने यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेन टी आई एन, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ यू एस आई टी आई एन और एस एन एन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, जो कि दोस्तों बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये दोस्तों क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेटिंग टी आई एन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको भरना है अपना पैन कार्ड नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग को ध्यान से बता दूँ, यहाँ पे आपका आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में सबमिट नहीं किया जाता, यानी कि दोस्तों यूएस में टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए आधार कार्ड बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जो है अपने जिस भी कंट्री से आप लोग करते हो, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जहां जो भी आपका TIN नंबर है, जैसे कि दोस्तों भारत का जो है पैन कार्ड नंबर पैन कार्ड चलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आपको अगर इंडिया से हैं तो दोस्तों आप लोग को सिंपल से पैन कार्ड भर लेना है। चलिए दोस्तों यहां पे मैं फटाक से पैन कार्ड भर लेता हूं। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है अपना पैन कार्ड नंबर भर दिया, और दोस्तों यहाँ पे नीचे वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल से दोस्तों आप लोग को कर देना है इस पर क्लिक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नया यूज़र इंटरफेस खुल के आया, जहाँ पे दोस्तों आपका जो है पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि दोस्तों टी आई एन नंबर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे एड्रेस फिल करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कर देना है टिक, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कंट्री जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, यानी कि दोस्तों आप जहां पर रहते हैं उसका सही सही एड्रेस, उसके बाद में दोस्तों यहां पे सिटी, यहां पे पिन कोड, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोगों के में पोस्टल कोड भी शो करता है, उसके बाद में दोस्तों स्टेट वगैरह आप लोग को भर लेना है। और दोस्तों आप लोग को एक बात का विशेष ध्यान रहे, जो आपके पैन कार्ड नंबर, यानी कि दोस्तों जो आपके TIN कार्ड में नंबर जो एड्रेस आपने दिया हुआ है, वही दोस्तों आपको सेम टू सेम यहां पे फिल करना है, आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई भी एड्रेस नहीं डालना है। तो चलिए दोस्तों यहां पर फटाफट मैं एड्रेस जो है अपना भर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने जो है अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे बाकायदा बिल्कुल अच्छी तरीके से भर लिया है। और दोस्तों स्ट्रीट एड्रेस के नीचे ये जो छोटा वाला ऑप्शन दिख रहा है APT और सूट ETC ऑप्शनल, तो दोस्तों इसको आप बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड वगैरह डाल के, स्टेट वगैरह डाल के दोस्तों आप लोग को क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा ये बॉक्स का, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों आप लोग को दोबारा एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे
नीचे आ गया नेक्स्ट का ऑप्शन। सिंपल दोस्तों, आप लोग को नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। और दोस्तों यहाँ पे आपको बैक बिल्कुल भी नहीं करना है, वेट करिएगा थोड़ा सा दोस्तों, खुलने में दोस्तों थोड़ा सा सर्चिंग लेता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस खुल के आ गया। अब देखिए दोस्तों नीचे वाले में दिया हुआ है, आर यू क्लेमिंग आर रिड्यूस रेट फॉर विदाउट अंडर अ टैक्स रेटरी। तो दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है क्या ये टैक्स करने के लिए, यानी कि दोस्तों यूएस टैक्स भरने के लिए दोस्तों आप क्या रेडी है, यानी कि दोस्तों आप जो है अपना रिड्यूस रेट करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप लोग को सिंपल से यस पे कर देना है क्लिक। अगर दोस्तों आप लोग ज़्यादा नहीं जानते सिंपल से दोस्तों यस कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है टिक। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कंट्री रीजनल, ठीक है, यहाँ पर बिंदु दी हुई है, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इंडिया अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है स्पेशल रेट्स फॉर कंडीशन। यहाँ पे दोस्तों तीन ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको। यहाँ पे दोस्तों सिंपल से आप लोग को पहले वाले पे कर लेना है क्लिक, क्योंकि दोस्तों आप लोग एडसेंस के लिए बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल अ पैराग्राफ, सिंपल से यहाँ पे तीर दी हुई है, इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों आर्टिकल 7 को सेलेक्ट कर लेना है। और बगल में दोस्तों दिया हुआ है विदड्रॉलिंग रेट, ठीक है, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है 0% पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और दोस्तों नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये जो छोटा वाला कॉलम दिख रहा है इस पर आपको करना है क्लिक। और दोस्तों तीसरे वाले पे आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है इमोशनल पिक्चर ऑफ टीवी रॉयल्टीज, इस पर आपको कर देना है क्लिक। और दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ इस टाइप का पैराग्राफ खोल के आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है और दोस्तों आर्टिकल 12 पे क्लिक कर लेना। उसके बाद में दोस्तों विड्रॉलिंग रेट पे आना है, विड्रॉलिंग रेट पे आपको 15% यानी कि दोस्तों 15% सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और उसके नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे भी आपको टिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर भी आपको टिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक नया पैराग्राफ खुल के आ जाएगा कुछ इस टाइप का। अब इस पे भी दोस्तों आपको तीर वाले पर क्लिक करना है और दोस्तों इस पे क्लिक करना है। फिर बाद में आपको विड्रॉलिंग रेट पे आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको 15% लगा लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे जो कॉलम दिख रहा है इस पे आपको कर देना है क्लिक। और दोस्तों नीचे आप छोटा सा नेक्स्ट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। और जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों फिर से बता दूँ यहाँ पे आपको दोस्तों बैक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना दोस्तों जितनी अभी तक आप लोग ने मेहनत करी है सारी की सारी दोस्तों बेकार हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का फॉर्म खुल के आ गया, यानी कि दोस्तों अभी आपको जूम करके दिखा दूं, दोस्तों दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे जो भी दोस्तों आप लोग ने भरा हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पे दोस्तों W8BEN फॉर्म जो है इस टाइप का कुछ पूरा आपका भर चुका है, ठीक है। अभी दोस्तों प्रोसेसिंग बाकी है, अभी दोस्तों बैक बिल्कुल भी मत करिएगा, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कॉलम दिख रहा है छोटा सा, इस पे आपको करना है क्लिक और नेक्स्ट वाले पे कर देना है क्लिक। जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो दोस्तों नीचे आएंगे तो थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे योर सिग्नेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल लीगल नेम। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को अपना नाम डाल लेना, एक बात का आपको विशेष ध्यान रहे दोस्तों आप लोग को नाम वही डालना है जो कि दोस्तों आप लोग ने पैन कार्ड नंबर में डाला है, यानी कि दोस्तों जो आपके पैन कार्ड नंबर में नाम हो बिल्कुल राइट बिल्कुल वही डालना है और कोई भी एक्स्ट्रा नाम आपको नहीं डालना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, आर यू द पर्सन लिस्टिंग द इन द सिग्नेचर सेक्शन। तो दोस्तों आप लोग को सिंपल से यस वाले पे कर देना है क्लिक और नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन और नीचे दिखा रहे हैं, यहाँ पे हैज द इंडिविजुअल और एंट्री आइडेंटिफिकेशन इन द टैक्स आइडेंटिटी। यहाँ पे दोस्तों आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सिंपल दोस्तों आपको कुल मिला के नो करना है। नो करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे छोटा सा कॉलम दिया है, इसको आपको फिल कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटस चेंज एफिडेविट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आर यू प्रोवाइडेड टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू और एग्जिटिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज रिसीव्ड पेमेंट ऑन द एग्जिटिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट आर प्रोवाइजली रिसीव पेमेंट। यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं तो दोस्तों ये आपको दो ऑप्शन देता है, जहाँ पे दोस्तों पहले ऑप्शन में लिखा हुआ आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर अ न्यू एग्जिटिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ रिसीव पेमेंट। और दूसरे वाले में दोस्तों ये दिया है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर द एग्जिटिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रोवाइजिटी
थोड़ी सी इंग्लिश वीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। कुल मिला के दोस्तों हिंदी में अर्थ बताऊँ तो दोस्तों ये आपसे कह रहा है, क्या आपने अभी अपने गूगल एडसेंस अकाउंट से एक भी बार पेमेंट ली है या नहीं ली है। तो दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, अभी तक आपने किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं ली है, तो सिंपल से आप लोग पहले वाले पे क्लिक करिएगा। अगर दोस्तों आप लोग पेमेंट ले चुके हैं एडसेंस अकाउंट से, तो दोस्तों आप लोग सेकंड वाले पे क्लिक करिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बड़ा बड़ा सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल से दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद में दोस्तों आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिएगा, बैग बिल्कुल भी मत करना यहाँ पे दोस्तों। अभी आपको एक चीज़ और बतानी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, बैग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, सर्चिंग होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, अप्रूव हो चुका है। उसके बाद में W8BEN मोशन पिक्चर एंड टीवी 15% है, कॉपीराइट 15% है, फॉर्म W8BEN सर्विस 0% है। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो फॉर्म है 100% सफलतापूर्वक जो है फिल हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से US टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला जो फॉर्म होता है उसको फिल करना जान गए होंगे। सारा प्रोसेस दोस्तों मैंने अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर समझा दिया। फिर भी दोस्तों अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि जो मुझसे कुछ भी छूट गया हो, या फिर कहे को दोस्तों आप लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेक्नोलॉजी माइंड ग्रुप का लिंक दे दिया, यानी कि दोस्तों अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, जाके दोस्तों चेकआउट करिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा। पर्सनली दोस्तों बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और दोस्तों फिर भी अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन भैया दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, भैया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक भैया वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भैया एक लाइक तो बनता है यार इस वीडियो के लिए। और दोस्तों अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, नीचे भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद, वंदे।